वंदे मातरम वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आज 15 अगस्त है और हमारे नजफगढ़ में जो शहीद भगत सिंह चौक है उस पे आए हुए हैं शाम बिहार में, और जो यहाँ के निगम पार्षद संतोष सुखबीर शौकीन जी है उनके द्वारा झंडा फहराएगा, और जो यहाँ के कॉलोनी के लोग हैं RW कह लो या कॉलोनी के जो लोग हैं उन्होंने यहाँ पे बड़ा जोर से स्वागत किया। तो हम शौकीन जी से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए। जी शौकीन जी, मैं सबसे पहले तो अपने परिवार की तरफ से और अपनी तरफ से 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूं। और आज जो ये हमेशा जब हम पब्लिक ने इन खास तौर पर जेड ब्लॉक की बात करूँगा, चाहे उसमें शौकीन जी MLA रहे, सबसे पहले विकास कार्य किया तो जेड ब्लॉक से किया था, और उसी पदचिन्हों पर चलते हुए हम भी जो भी MCD के तहत जो काम आता है हम RW के आदेश से उनको पूर्णता से करने की कोशिश करते हैं, और जो कमी बेसी है उसकी हाथोड़ का माफ़ी मांगते हैं सबसे। और बहुत सौभाग्य की बात है कि DDA का एक पार्क था यहाँ 1 एकड़ में, वो MP साहब से RW ने और मैंने भी जाकर रिक्वेस्ट करी, वो MCD के अधीन हो गया है, उसमें जो विकास कार्य अछूता है उसको हम जल्दी पूरा कराएंगे, क्योंकि अभी बजट मिलेगा उसमें जो RW के प्रधान और हमारे अंकल लांबा जी सभी पदाधिकारी आए दिन हमारे से हम संपर्क में रहते हैं, और जो भी आदेश करेंगे उसमें हम जल्दी ही। और मैं आज एक घोषणा आपके माध्यम से करना चाहता हूँ, अगला झंडा जो होगा वो 52-53 फुट का उस पार्क में रहा जाएगा, उस झंडे को मैं जल्दी कार्य शुरू कर दूंगा। संत लाल जी जैसे यहाँ पे जो यहाँ के पार्षद हैं संतोष सुखबीर शौकीन जी आए उनके द्वारा झंडा फहराएगा, तो क्या कहना चाहेंगे इस 15 अगस्त के शुभ अवसर पर। देखो जी, एक जाटू बात बताऊंगा मैं आपको। बिल्कुल। सबसे पहले तो बुलाते आ जा, 5 मिनट पहले आ जा, उससे बढ़िया हम किसी को नहीं मानते। खड़ा रहे आध घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे तो वो बढ़िया नहीं होता। बाकी रही ये कि भाई एक फोन पे काम हुआ है हमारे, जैसे बिजली का है, सफाई का है, जो यहाँ के निगम पार्षद जी उनसे आप बिल्कुल संतुष्ट हो। हाँ जी जी, मिनटों में जी होता है। जी जी बिल्कुल, एक फोन पे है जी सारे काम। जी भैया, क्या नाम? शकील चौधरी जी, क्या कहना चाहेंगे आज 15 अगस्त पे जो यहाँ पे झंडा फहराएगा जो निगम पार्षद है संतोष सुखबीर शौकीन जी उनके द्वारा, और जैसे मैं देख रहा कि कॉलोनी के सभी लोग आके यहाँ स्वागत के लिए खड़े हुए हैं। जी, जब से करीब 2.5 साल हुए हैं हमारे निगम पार्षद जी को, तो कभी ऐसा नहीं हुआ, एक बार फ़ोन किया है, वहाँ जाने की भी जरूरत नहीं पड़ी, फ़ोन पे ही हमारे काम हो गए हैं। और सबसे बड़े हमारा जो उपलक्ष्य हुआ है कि ये जो पार्क है, और जल्दी आज वादा भी है कि जल्दी डेवलपमेंट जो है इसमें जल्दी हो जाएगा, तो इसके लिए हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और कभी शिकायत इनसे हमारी हुई नहीं है, आगे होगी तो फिर अब जरूर बताएंगे, लेकिन फिलहाल नहीं है, बस एक बार फ़ोन किया हम कहते हैं तो तुरंत हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे संतोष सुखबीर शौकीन जी भी है और लोगों से हमने बात की, जो RW है जेड ब्लॉक की हम बात करें, यहाँ पे लोग बड़े खुश हैं। जैसे उन्होंने बताया कि फ़ोन पे ही उनके आधे से ज़्यादा काम हो जाते हैं, और जैसे पार्क की भी एक घोषणा की कि जो काम बचा है वो अभी जल्द पूरा हो जाएगा, तो यहाँ के लोग बड़े खुश यहाँ के निगम पार्षद से है। तो मैं कहता हूँ कि सभी जितने भी दिल्ली में निगम पार्षद है वे भी इसी तरह काम करें तो शायद दिल्ली में समस्या ही ना रहे, कोई कॉलोनी हो या बस्ती हो कुछ भी हो। तो ये एक बड़ा अच्छा यहाँ लोगों का विश्वास मिला है संतोष सुखबीर शौकीन जी को, तो आगे भी फिर हम ऐसे ही जाते रहेंगे। तो 15 अगस्त की बात है, हम हर एरिया में घूमती रहती है हमारी टीम और काम भी देखती रहती है कौन निगम पार्षद कितना काम अपने क्षेत्र में करता है। लाइक शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।